सर थैंक यू आपको हरे ओम चंद्रमा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के पद द्वारा प्राप्त अधिकार से मैं विश्वविद्यालय के संकाय अध्यक्षों द्वारा उपाधि हेतु प्रस्तुत समस्त अभ्यर्थियों को इस विश्वविद्यालय की पीएचडी स्नातकोत्तर एवं स्नातक उपाधियां प्रदान करता हूं। जय हिंद। आज इस स्थान पर इस क्षण और आप सबके बीच में आकर एक अलग ही हर्ष उल्लास एंड सेंस ऑफ प्राइड फील हो रहा। मैं आपके एक एक आपके आत्मा को देखकर इतना प्रसन्न हुआ हूं और ऐसा माहौल है, ऐसा दिव्य ऐसा भव्य माहौल है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई सेलिब्रेशन है, कोई फेस्टिविटी है, कोई त्योहार है। हाँ, सचमुच ये एक त्योहार है, ये कॉन्वोकेशन एक त्योहार की तरह ही है। आई थिंक दिस इज द टाइम टू सेलिब्रेट। और देखिए प्रभु का खेल, आज इस त्योहार में जिन्होंने मेडल्स लिए हैं उसमें मुख्यतः हमारी मातृशक्ति नारी शक्ति लगता है। ये हमारा सरस्वती माँ को भारत माँ को सबसे बड़ा उपहार और नमस्कार है। आज के इस कन्वोकेशन समारोह में उपस्थित उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जिनका गला खराब होने के बावजूद भी यहां आए, और मैं तो इनको बहुत करीब से जानता हूं। इन्होंने तो पीएचडी डिग्री 2000 में ली थी और जो मार्गदर्शन तब से चला आ रहा है उत्तराखंड के अंदर में, वो आज इस स्तर पर पहुंच गया है कि आज इकट्ठा 58,000 जो आज डिग्रियां जा रही हैं, हम सब पूरे परिवार के लिए एक बहुत गर्व की बात। कुलपति प्रोफेसर एनके जोशी जी, विभिन्न विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव, सम्मानित अतिथि गण, विद्वान शिक्षक गण, कार्मिक और प्रिय छात्र छात्राओं, जैसे इस हॉल की एक अरेंजमेंट है, ऐसे लग रहा है जैसे एकदम बिल्कुल एक मंदिर की तरह हो। जिस प्रकार इसकी सीढ़ियां ऊपर में चलती जा रही हैं, और ऐसा लगता है जब बनाया होगा तो अवश्य प्रभु ने ही बोला होगा कि इस प्रकार का हॉल बनाइए। देवभूमि में ऐसे ही चमत्कार होते हैं, यही स्पेशलिटी है देवभूमि की, तप भूमि की, सैरिक धाम की। हिमालय की सुंदरता के बीच स्थित इस विश्वविद्यालय के 17th कॉन्वोकेशन में आप सबके बीच में आकर यहां उपस्थित होकर मुझे अलग से ही एक इंडीड आई कैन फील अ बिग प्लेजर विद इन माई ओन सेल्फ, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। सर्वप्रथम आज के दिन जो मेडल उपाधियां
और विशिष्ट योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आपकी इस उपलब्धि में आपके माता पिता और गुरुजनों का बहुत बड़ा योगदान है। उनके द्वारा दी गई विद्या, शिक्षा और प्रेरणा से ही आपको ये उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। माता पिता और गुरु जी ही हैं जो व्यक्तित्व को, जो एक पर्सनालिटी को, जो आपकी करेक्टर्स को एक आकार देते हैं, अच्छे भविष्य के लिए पूर्ण और शक्ति संपन्न बनाते हैं। आई थिंक वी नीड टू गिव द हाईएस्ट ग्रेटिट्यूड टू आवर पेरेंट्स एंड टू आवर टीचर। नेवर फॉरगेट योर गुरु। He is the one who taught you when you knew nothing. And today you know, and first thing that you should know is how to give him gratitude. I think that's the most important aspect that you should follow. इसलिए हमारे ऋषियों ने उपनिषद में लिखा है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ऐसे देवा देवताओं के सम्मान, पूजनीय और वंदनीय आपके माता पिता और गुरुजनों को आपकी उपलब्धि के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। विश्वविद्यालय के लिए दीक्षांत समारोह का अवसर अपने शैक्षिक और अकादमिक उपलब्धियों की प्रदर्शित करने का एक उत्सव होता है। एंड आई कैन फील द वाइब्रेशंस ऑफ दैट उत्सव। विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने अनेक उपलब्धियों को हमारे सामने रखा है। मैं इन उपलब्धियों के लिए आपको हार्दिक बधाई देता हूं। विगत दो वर्षों में कोरोना संकट की कठिन चुनौतियों के बाद भी यह विश्वविद्यालय अपनी उपलब्धियों को अर्जित करने में सफल रहा है। यह प्रशंसनीय है एंड माई डीप एप्रिसिएशन फॉर दिस एक्सक्लूसिव अचीवमेंट। ये दिखाता है कि हमारा राष्ट्र, हमारा समाज, हमारे गुरु, उनकी रेजिलियंस क्या है। जहां पूरे विश्व के बड़े बड़े देश एकदम ढह गए कोविड के सामने में, एकदम हार गए, और वहां आपके जो मुखिया वाइस चांसलर साहब खड़े होकर इस प्रकार से अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। विद्या, ज्ञान, दीक्षा, तप, अनुशासन, परिश्रम, ये वे कारक हैं जो हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। मुझे आशा है कि ज्ञान और आचरण के इस प्रकाश को लेकर आप आगे बढ़ेंगे, स्वयं के लिए, स्वयं के परिवार और समाज के लिए महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। ये जो आपको आज उपलब्धियां हासिल हुई है, जो आपको मेडल मिले हैं, जो डिग्री मिली है, इसका तभी फुल यूज होगा, ऑप्टिमम यूज होगा, अगर इसका फायदा आपके समाज को, हर भारतीय को और राष्ट्र को। आपका राष्ट्र, समाज और हर भारतीय आपसे बहुत उपेक्षा रखता है। आपकी आज से एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो गई। आफ्टर टेकिंग दिस डिग्री जो आपने अपने हार्डवर्क से लिया है, यू बिकम ए नेचुरल लीडर टुडे। नोबडी हैज गॉट टू गाइड यू, नोबडी हैज गॉट टू टेल यू। यू शुड टेक द लीडरशिप इन योर हैंड, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक दैट्स व्हाट यू शुड अडॉप्ट हेयर आफ्टर। आप समाज के पथ प्रदर्शक बन गए ऑलरेडी। प्लीज रियलाइज दिस, बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ बिग इंडियन इज वी डोंट नो आवर सेल्फ वर्थ। अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान लें। 1973 में स्थापित हुआ यह विश्वविद्यालय शैक्षिक सेवाओं तथा अकादमिक उपलब्धियों के साथ निरंतर उन्नति कर रहा है। विभिन्न राष्ट्रीय, इंटरनेशनल संस्थाओं,
द्वारा विश्वविद्यालय को दी गई रैंकिंग और उनकी उपलब्धियां संतोष, हर्ष और प्रसन्नता के साथ साथ एक नई आशा का भी संचार करती है। आई एम फीलिंग सो प्राउड व्हेन द वाइस चांसलर जी वॉज गिविंग आउट द अचीवमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी। इट मेक्स यू फील स्ट्रॉन्गर, इट गिव्स यू अ थॉट दैट विश्व गुरु बनने का जो सपना है वो दूर नहीं। अप्रैल 2022 में ही हमें यह खुशखबरी मिली है कि विश्वविद्यालय के यूजीसी मानव संसाधन विकास केंद्र को देश में चतुर्थ स्थान प्राप्त हुआ है। यह विश्वविद्यालय के लिए गर्व का विषय है, हम सब के लिए गर्व का विषय है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी नैनो साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग तथा विज्ञान संकाय के अन्य सभी विभागों ने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। इनोवेशन पर आधारित वैज्ञानिक खोज के द्वारा 8 इंटरनेशनल पेटेंट प्राप्त करना विश्वविद्यालय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। रसायन शास्त्र विभाग के प्रोफेसर नंद गोपाल साहू जी को फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री बनाया जाना भी बहुत खुशी की बात है। आपकी सफलता में हम सबको, पूरे परिवार को अत्यंत खुशी होती है। नैनीताल को कचरे से मुक्त कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पोषित अमृतम योजना का संचालन इस विश्वविद्यालय और नैनीताल नगर पालिका के समन्वय से किया जा रहा है, जो कि शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालय को सामाजिक भागीदारी में सहयोगी बनाने की दिशा में कार्य करने के लिए शुभ संकेत है। आई थिंक इट इज आवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप आवर होम क्लीन। और देवभूमि गंदी कैसे हो सकती है? यहां पर प्लास्टिक कैसे हम इधर उधर फेंक सकते हैं? कैसे देवभूमि के अंदर में गंद हो सकता है? आई थिंक पूरी देवभूमि के हरेक आत्मा को ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए कि हमारा घर जहां पर भगवान बसता है, जहां पर भगवान हमको सबको आकर आशीर्वाद देते हैं, हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम अपने घर को एकदम क्लीन रखें। यू हैव टू टेक दिस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। विवेकानंद पीठ, गांधी एवं प्रवासी अध्ययन केंद्र, महिला अध्ययन केंद्र एवं महादेवी वर्मा सृजन पीठ उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। आई थिंक दे नीडेड गुड क्लैप फॉर पीच ऑनलाइन शिक्षा, ई गवर्नेंस, डिजी लॉकर सुविधा जो वाइस चांसलर साहब बता रहे थे, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के कार्यक्रम का सफल संचालन, वित्तीय अनुदान का उपयोग, दिव्यांगजनों के अनुकूल रैंप निर्माण, आधारभूत संरचना और शैक्षणिक वृद्धि के सभी प्रयासों के लिए विश्वविद्यालय को मैं बधाई देता हूं। विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर, लॉ, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम जैसे विषयों पर आधारित कंटेम्पररी प्रोफेशनल कोर्स संचालित करने की पहल का स्वागत करता हूं। अकादमिक विषयों में उच्च कोटि के शिक्षक प्रशिक्षण के साथ ही रोजगार परक शिक्षा प्रदान करने के इस संकल्प का स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि जितनों भी आज पीएचडी मेडल डिग्रियां ली हैं, आप खुद ही जॉब जनरेशन के अंदर में एक लीडर बन सकते हैं। एक सिर्फ सोच की जरूरत है। एंड यू मस्ट हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस, नो योर सेल्फ वर्थ, दैट यू कैन क्रिएट जॉब्स अराउंड योर सेल्फ। मुझे विश्वास है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय का भविष्य उज्जवल है, आई एम डेफिनेट अबाउट इट, तथा इसकी प्रगति के प्रयत्न फलीभूत हो रहे हैं। यह विश्वविद्यालय
निरंतर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, यह मेरी शुभकामना है। ये मेरी प्रभु से, वाहेगुरु से प्रार्थना, अर्चना और प्रेयर भी है। मेरा मानना है कि उपलब्धियों के होते हुए भी सुधार की आवश्यकता सदैव बनी रहती है, बिकॉज लर्निंग इज ए कंटिन्यूम प्रोसेस। वी गॉट टू बी एवर इन द परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस। मेरा विश्वास है कि यह विश्वविद्यालय सभी क्षेत्रों में अधिक से अधिक क्वालिटेटिव एम्पावरमेंट करेगा। नई शिक्षा नीति के मूलभूत सिद्धांत है कि ज्ञान को कौशल से जोड़ा जाए, नए को प्राचीन से जोड़ा जाए, विज्ञान को कलाओं से जोड़ा जाए, भाषा को विषयों से जोड़ा जाए और सबसे जरूरी है ग्लोबल को लोकल से जोड़ा जाए। मैं तो ये भी कहूंगा कि लोकल को ग्लोबल से जोड़ा। हमारी प्राचीन भाषा, साहित्य, संस्कृति और विचारों को सम्मान देने के साथ साथ मॉडर्न नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन से जोड़ा जाना आवश्यक है। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि डीलिट संस्कृत को दिया। संस्कृत हमारी मातृभाषा से भी ऊपर उठकर है। अगर आपको बहुत गहरा ज्ञान प्राप्त करना है, विद्या प्राप्त करनी है, आपको विजडम और जीनियस की तरफ जाना है तो संस्कृत का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड की यह धरती प्रकृति के अनमोल खजाने से भरी हुई है। बट व्हाट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ इज दैट डू यू नो योरसेल्फ वर्थ, डू यू नो द वर्थ ऑफ बीइंग उत्तराखंडी। आई थिंक दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी शुड आस्क योरसेल्फ। हमाओं को तो प्रकृति ने सुंदरता का वरदान दिया है। उत्तराखंड के प्राकृतिक दृश्य अत्यंत सुंदर है। यहां की नदियां, झीलें, घाटियां, पर्वत, शिखर अलौकिक, अद्भुत, अत्यंत सुंदर है। नैनीताल की सुंदरता पूरी दुनिया को आकर्षित करती है। यहां की झीलें प्रकृति के किसी सुंदर वरदान से कम नहीं है। एक विश्वविद्यालय के नाते हम प्रकृति के इस एनवायरनमेंट के संरक्षण और पर्यटन की गतिविधियों को एक साथ आगे बढ़ाने का कार्य करें और स्थानीय लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए उपाय सोचें। आई सेड हेयरआफ्टर यू आर द लीडर्स, नोबडी इज गोइंग टू टेल यू व्हाट टू डू। यू हैव टू एंश्योर दैट जो भगवान ने हम लोग को वरदान दिए हैं उनको और किस प्रकार से दृढ़ कर सकते हैं, उसमें किस प्रकार दिव्य और भव्य की एक अलग ही कला जोड़ सकते हैं। इस दिशा में विश्वविद्यालय को शोध, रिसर्च, अनुसंधान और कार्य योजना तैयार करनी होगी ताकि समृद्ध जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा हो सके, पर्यटन को बढ़ावा मिले, पर्यटकों के लिए सुविधा विकसित हो। याद रखिए कि ज्ञान किताबों तक सीमित ना रहे, शिक्षा कक्षाओं तक सीमित ना रहे, शोध अनुसंधान और परियोजना केवल कागजों और फाइलों में ही सिमट कर ना रह जाए, अपितु ये सब कार्य लोगों की आजीविका और जीवन शैली को उन्नत, सरल और सुगम बनाने में काम आए। जितना आप क्लैपिंग करेंगे उतना ही आप इसमें हिस्सेदार हो जाएंगे। शिक्षा का प्रयोग कक्षा के बाहर गांवों और खेत खलियानों तक हो, इस दिशा में शिक्षा के स्वरूप को विकसित करना होगा। हमको सबको मिलकर करना होगा। मैं तो कहूंगा कि शिक्षक और छात्र मिलजुल कर समस्या के समाधान के लिए फील्ड में जाकर कार्य करें। मुझे खुशी है कि वाइस चांसलर साहब ने बताया कि आपने कुछ एक विलेजेस को अडॉप्ट किया है और वहां पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।
ऑर्गेनिक और जीरो बजट फार्मिंग के लिए सक्सेसफुल मॉडल तैयार करें। आपके शिक्षण का मूल सिद्धांत लैब टू लैंड एंड क्लासरूम टू विलेज होना चाहिए, तभी आपको आनंद आएगा, सच्ची सफलता वही होगी। आज का जो सबसे मजेदार पॉइंट था ना, क्या था सोचिए, उत्तराखंड की नारी शक्ति, अलग से ही लीडर और क्षमता से युक्त है। मैंने उत्तराखंड के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर डिटेल से सेल्फ हेल्प ग्रुप, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी और महिलाओं को मिला हूं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि हमारे उत्तराखंड के परिवार में जो सबसे तगड़ा सदस्य है ना, वो महिला है। और जो क्रांति आएगी ना, वो महिला के थ्रू ही आएगी। लेकिन आज जो मैंने देखा है वो बिल्कुल अद्भुत था। किस प्रकार हमारी बेटियां उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं, 120 में से 95 गोल्ड मेडल हमारी बेटियों ने प्राप्त किए। माय हार्टेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच वन ऑफ यू। आई एम डीपली प्राउड ऑफ योर अकम्प्लिशमेंट, अचीवमेंट एंड व्हाट यू डन। हमारी बेटियों की सफलता साबित करती है कि वे किसी से कम नहीं है। इससे यह भी पता चलता है कि हमारी बेटियां, मेरी बेटी भी यहां बैठी हुई, और बेटी तो इज द बिगेस्ट गिफ्ट बाय प्रभु। हमारे देश और प्रदेश का मान सम्मान आप बढ़ाएंगे, क्योंकि आप में जो विशिष्ट क्षमताएं हैं, जो आप योगदान दे रही हैं, वो अपने आप में एक अलग ही बहुत खुशी का विषय है। मैं यहां उपस्थित सभी छात्र छात्रों से अपील करना चाहता हूं कि आप किसी भी क्षेत्र में कार्य करें, किंतु गांव में रहने वाली हमारी मातृशक्ति के जीवन को उन्नत और सरल बनाने की दिशा में भी अवश्य योगदान दें। पहाड़ को जीवंत बनाए रखने के लिए और रखने वाली हमारी मातृशक्ति को कभी ना भूलें। उनके मान सम्मान और आजीविका के लिए कुछ ना कुछ अवश्य करें। वो भी एम्पावरमेंट और एजुकेशन को पूरा पूर्ण महत्व दे। कुमाऊं की इस धरती ने अनेक प्रतिभाशाली लोगों को जन्म दिया है। महान साहित्यकार महाकवि सुमित्रा नंदन पंत जी की इस धरती ने देश और विदेश की अनेक महान विभूतियों को आकर्षित किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद जी, महादेवी वर्मा जी जैसी विभूतियों ने यहां की धरती से प्रेरणा ली है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं, यू आर ब्लेस्ड कि आपको इस देवभूमि में पढ़ाई करने का अवसर मिला। आप सबको देश और समाज की भलाई के लिए अपना योगदान देना होगा। आने वाले समय में विश्व गुरु भारत के रूप में लीडरशिप आपको अपने हाथ में लेनी होगी। इसके लिए आपको एक ज्ञानवान, परिश्रमी, मेघावी, विचारवान और कृतवान नागरिक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा। मेरा कहना है कि अतीत से सीखते हुए, वर्तमान को संवारते हुए, भविष्य के लिए एक दृष्टि, एक स्वप्न लेकर कार्य करें, तब कर्मयोगी बने। मेरा आशीर्वाद है कि आप ऐसी विद्या प्राप्त करें जिसका साथ आपको जीवन के सभी पड़ावों, सभी चैलेंजेस पर मिले। इस ज्ञान के सहारे आप जीवन में प्रसिद्धि और समृद्धि प्राप्त करें। ऐसी कामना के साथ मैं एक बार फिर सभी को बधाई देता हूं, तथा इस सुंदर आयोजन के लिए जब
जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा और जिस प्रकार से एनसीसी के कैडेट्स को देखा तो बहुत गर्व फील हुआ। आई फेल्ट वेरी प्राउड। जिस प्रकार उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर किया, जिस प्रकार वैदिक मंत्रों का उच्चारण था, ऐसा लग रहा था जैसे देवभूमि के किसी मंदिर में आए हो। जिस प्रकार बहुत ही सुंदर तरीके से कुल गीत को गाया और उसकी श्रद्धा में आप सब खड़े हुए, और जो एकदम बिल्कुल आत्मिक स्तर पर आपने नेशनल एंथम को सम्मान दिया, उसे लगता है कि आपने अपने आप से एक कसम खाई है कि हम राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए कोई भी कार्य करने के लिए। दिस कन्वोकेशन उत्सव को आपने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही डिटेल से प्लान किया है। आई कैन फील द हार्ड वर्क ऑफ ईच वन ऑफ यू, और जिस प्रकार से कंडक्ट किया गया है बहुत खुशी हुई कि यू आर एन एक्सीलेंट मैनेजर ऑफ सच इवेंट। जिन्होंने भी आज के इस पारिवारिक उत्सव को सफल बनाने के लिए कार्य किया है, मैं उन सब को उनकी प्रशंसा करता हूं और बहुत तहे दिल शाबाशी देता हूं। आज बहुत ही अच्छा लगा कि ये भी अपने आप में एक रिकॉर्डिंग होगा कि 58,640 को डिग्री दिया गया। अगर देखें तो 2019-20, 2020-21 और 410 पीएचडी कहां सुना है। ये क्षण बिल्कुल अलग है। 115 से ज्यादा मेडल, 5 कैश प्राइज, अपने आप में एक अद्भुत इवेंट था। आज मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर चंद्रशेखर जी, वनस्पति विज्ञान, डॉक्टर सूरज कुमार जी को डीलिट संस्कृत में, आई फील सो हैप्पी दैट संस्कृत के विषय के अंदर में डीलिट किया गया। ऐसा लगता है कि स्वर्गों से जिन्होंने हमारे भारत की सभ्यता संस्कृत की नींव रखी थी, जो हमारे ऋषि मुनि भी हैं, जो शिव जी हैं, वो आज ऊपर से हमारे परिवार को बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रहे होंगे कि हमने संस्कृत को ये इज्जत सौंपी। डॉक्टर विनय कंठपाल जी, जिन्होंने जिनको डीलिट किया है प्रबंधन में, मैनेजमेंट में, तो ये दिखाता है कि एक तरफ संस्कृत और दूसरी तरफ मैनेजमेंट, किस प्रकार दोनों ही जो पिलर्स हैं उनको इज्जत दी गई है। आज मुझे सुनकर ये भी बहुत खुशी हुई, जब वाइस चांसलर साहब बहुत विस्तार से स्पोर्ट्समैन की अचीवमेंट्स बता रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोविड ने बहुत सबक सिखाए हैं, अपनी इम्यूनिटी और हेल्थ को एकदम अच्छा से बनाए, और ये जो स्पोर्ट्समैन ने हमारे प्रदेश को, हमारे परिवार को, हमारे देश को जो इज्जत दी है, और देखिए ये कमाऊ के ही लक्ष्य सेन जी हैं जिन्होंने एक अलग कमांड किया। आपके साथ एक बार फिर उन दो शब्दों को नमन करना चाहता हूं जिन दो शब्द ने हमको आजादी दिलाई, हमको इकट्ठा होकर आजादी के आंदोलन में सफलता दी, जो आज भी हमको एक सूत्र में बांधते हैं। वो दो शब्द ऐसे मंत्रमुग्ध करते हैं
कि हम सब भूल कर कि हम कहां जन्म लिया, कौन सी जाति, कौन सा धर्म, कौन सी बैकग्राउंड, सबको भूल कर वो हमको एक सूत्र में बांधते हैं और ये कहते हैं कि अपने राष्ट्र, समाज और हर भारतीय को प्रेम करो, उनके लिए जियो। और वो तो शब्द है, वो तो शब्द है, वो तो शब्द है। इतना सुस्ती से बोलेंगे तो क्या होगा? जय हिंद।